लीडिंग प्राइवेट स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल को लेकर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी का काम है कि वो ये इंश्योर करें कि किसी भी स्कूल को कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस मामले में कई सारी सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं जिनमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि एजुकेशन को बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साथ ही में कोई भी प्राइवेट स्कूल एक कमर्शियल बिजनेस की तरह रन नहीं हो सकता है। इसके चलते फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने रिसेंटली दिल्ली पब्लिक स्कूल की वर्किंग्स में प्रोब किया है। जब दिल्ली पब्लिक स्कूल ने ये गुहार फी फिक्सेशन कमेटी के सामने रखी कि हमने 3 सेशन से अपनी फीस रिवाइज नहीं की है, हमें फीस रिवाइज करने का मौका दिया जाए, इसको लेकर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने जो सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पब्लिक स्कूल से मांगी, जिसमें उनसे कहा गया कि आप सारी डिटेल सबमिट करें कि आप कितनी रिसिप्ट आपकी हो रही हैं, कितने एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, किस किस चीज के लिए आपका खर्चा हो रहा है, अभी आपको जो फीस मिल रही है उससे आपकी कितनी अर्निंग्स हो रही हैं, और उसको लेकर जब सारे खातों का खुलासा हुआ तो उसको लेकर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमिटी ने ये कहा है कि प्रीमा फेसी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जो अथवाजान श्रीनगर में है वो एक वेल थॉट आउट प्लान के तहत उसे ह्यूज मनी अर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि मोटी रकम कमाने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा इस फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने कहा है, जिसके फॉर्मर जम्मू कश्मीर के जज जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर जो हैं चेयरपर्सन हैं इस कमेटी के। अगर पूरी बात पर नज़र डाली जाए तो देखने को ये मिलता है कि डीपी धर मेमोरियल ट्रस्ट जो 2003 में सेटअप किया गया उसी के अंडर ये दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में चल रहा है, जिस के ट्रस्टी विजय धर और उनकी पत्नी किरण धर हैं और साथ ही में उनके दो बेटे हैं वो भी इसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ये बताया जा रहा है कि इसी डीपीएस मेमोरियल ट्रस्ट को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी लोन की शक्ल में इन ट्रस्टीज ने ही दी, और उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं 12% तक इंटरेस्ट चार्ज करते रहे उस अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट लोन के तौर पर दिए गए स्कूल को। रिसिप्ट्स और पेमेंट स्टेटमेंट्स जो कि शेयर की गई हैं इस फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के इस नोटिस में, उसमें बताया उस ऑर्डर में ये बताया गया है कि रिसिप्ट्स और पेमेंट स्टेटमेंट्स ये दिखाती हैं कि 40 से 50 करोड़ रुपए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में रिसीव किए गए हैं, और साथ ही में ये भी कहा गया है कि प्रीमा फेसी ऐसा लग रहा है कि जो पैसे एडवांस लोन के तौर पर लोन की शक्ल में ट्रस्ट को दिए गए हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, उस लोन के इंटरेस्ट अमाउंट को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जो इंटरेस्ट रेट आपको किसी भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी बैंक में, किसी प्राइवेट लेंडर में बहुत कम इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है, 12% एक काफ़ी हाई अमाउंट है ऐसा बताया जा रहा है। फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी जिसके सेक्रेटरी स्कूल ऑफ बोर्ड एजुकेशन मनीषा सरीन है, उसके अलावा डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर हैं, इन सब ने मिलकर एक बार डीपीएस का दौरा भी किया था, उनके अकाउंट्स भी खंगाले थे ताकि ये मालूम चल सके कि किस तरीके से डीपीएस स्कूल जो है वो श्रीनगर में फंक्शन कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कभी 12% इंटरेस्ट कमर्शियल लोन्स के ऊपर चार्ज नहीं करते, जितना अमाउंट ये ट्रस्टी जिन्होंने लोन जो है वो पर्सनल खातों से इस ट्रस्ट को दिया था स्कूल चलाने के लिए, जितना इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि अगर स्कूल को कोई रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियल असिस्टेंस की तो वो अन्य जो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी अप्रोच कर सकती थी और मीगर इंटरेस्ट पे उन्हें वहाँ से लोन मिल सकता था। क्या ज़रूरत थी कि इन्हीं ट्रस्टी से, इन्हीं लोगों से, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल से ही लोन लिया गया और उसके बाद लोन की इतनी हाई अमाउंट जो है वो स्कूल रिपीटेडली पे ऑफ कर रहा था। ये भी कहा गया जो रेंट है वो भी कलेक्ट किया जा रहा है इन्हीं ट्रस्टीज के द्वारा, क्योंकि जिस जमीन के ऊपर ये दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में चल रहा है वो जमीन भी उन्हीं ट्रस्टीज की जमीन है और उस जमीन का रेंट भी एक भारी मतलब अमाउंट है जो कि पे ऑफ की जा रही है। उसके साथ साथ में जब अकाउंट्स को खंगाला गया तो बहुत सारे ऐसे ओवरहेड्स थे जिनको लेकर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने सवाल खड़े किए, सवाल पूछे, लेकिन उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। एक चीज ये कही गई कि डीपीएस जो है वो बोर्डिंग स्कूल नहीं है, उसके बावजूद भी हॉस्टल की और मेस फीस में करोड़ों रुपए का खर्चा जो है वो किया गया है, साथ ही में 11 गाड़ियां वो भी स्कूल के डिस्पोजल पर रखी गई है, जबकि जब पूछा गया कि आप स्पेसिफाई करें कि इन गाड़ियों की क्या जरूरत है स्कूल को, कौन इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई जवाब स्कूल की तरफ से फी फिक्सेशन कमेटी को नहीं मिला। उसके साथ साथ में
3.2 करोड़ रुपए रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर खर्चे गए। और फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने सवाल पूछा है कि हम जानना चाहते हैं कि ये कौन सी रिपेयर और मेंटेनेंस हुई है जिस पर इतना खर्चा किया गया है। उसके साथ साथ में हॉस्टल और फूड की मैंने बात की जिसके ऊपर 18 लाख रुपए खर्चे गए। ह्यूज एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट के लिए जो है वो किए गए, ट्रैवलिंग के लिए और इन्हीं कार्स की रनिंग के लिए भी लाखों रुपए के खर्चे जो है वो किए गए। जिसको लेकर जब फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने सवाल खड़े किए और पूछा स्कूल की मैनेजमेंट से कि आप बताएं कि ये गाड़ियां कहाँ इस्तेमाल हो रही थी, ये कौन से ट्रैवल के खर्चे थे, ये कौन से हॉस्टल के खर्चे थे, तो कोई जवाब नहीं मिल पाया। इन फैक्ट से फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी का ये कहना है कि प्रिमा फेसी यही नजर आता है कि एक वेल थॉट आउट प्लान था जिसके जरिए इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल किया जा रहा था मोटी कमाई करने के लिए और उस तरीके की कमाई करने के लिए जो बिग बिजनेस हाउसेस भी नहीं कर पा रहे। और उसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी की क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ही यही है ये इंश्योर करना कि एजुकेशन की कमर्शलाइजेशन नहीं हो, पढ़ाई को एक बिजनेस के तौर पर ना देखा जाए। इसके चलते अर्जेंटली इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी प्रोब करे इस मैटर को, इंक्वायर करे कि इन अकाउंट्स में और पता करे कि ये पैसे कहाँ जा रहे थे, किस लिए ये पैसे इस्तेमाल हो रहे थे। जिन ओवरहेड्स में ये कहा गया है कि इसके लिए 1 लाख रुपए खर्चे गए हैं, इसके लिए 18 लाख रुपए खर्चे गए हैं, क्या उसी के लिए इस्तेमाल हो भी रहे थे या इस पैसे को चैनल किया जा रहा था। ये कहा गया कि अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनका हवाला देकर ये कहा गया कि इंश्योर किया जाएगा कि इंडिपेंडेंट प्रोब हो और एजुकेशन को कमर्शलाइज होने ना दिया जाए। साथ ही में ये भी कहा गया कि पहले एक बार जब फी फिक्स कर दी गई थी डीपीएस स्कूल के लिए तो फी फिक्सेशन के लिए दोबारा से जब फी फिक्सेशन कमेटी को अप्रोच किया गया डीपीएस द्वारा, जिनका ये कहना था कि 3 सेशन तक अब फीस जो है वो इंक्रीज नहीं की गई है, अब दोबारा से रिविजिट किया जाए और फीस बढ़ाने के बारे में सोचा जाए, तब जाकर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए और उन रिकॉर्ड्स मंगवाने के बाद जो है कुछ सवाल भी खड़े किए थे, जिन सवालों का जवाब फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी को जब नहीं मिला तब जाकर ये सवाल खड़ा हो गया कि ये पैसे अगर गए तो गए कहाँ। अब जो सवाल खड़े किए गए थे उन पर आते हैं। ये पूछा गया कि जो ट्रस्टीज हैं उनके पर्टिकुलर शेयर किए जाएं, जिन लैंडलॉर्ड्स ने लैंड लीज आउट की है स्कूल को उनके पूरे पर्टिकुलर शेयर किए जाएं, कितना रेंट फिक्स किया गया है और कितना रेंट लैंडलॉर्ड ईयर वाइज कलेक्ट करते रहे हैं उसकी डिटेल शेयर की जाए, कितना लोन अभी तक स्कूल को दिया जा चुका है 31 मार्च 2021 तक उसकी ईयर वाइज डिटेल जो है वो शेयर की जाए, कितना किन किन लोगों ने लोन जो है वो स्कूल को दिया है उसकी डिटेल शेयर की जाए, कितना इंटरेस्ट उन लोगों ने चार्ज किया है और अभी तक कलेक्ट कर लिया है उनकी डिटेल शेयर की जाए, स्कूल जो है वो कितनी गाड़ियां ओन करता है और उन गाड़ियों का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है, किसकी डिस्पोजल पर वो गाड़ियां हैं, ये इसका जवाब मांगा गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ट्रैवल डिटेल्स के पूरे पर्टिकुलर्स मांगे गए कि कौन थे वो लोग जो ट्रैवल कर रहे थे, उनके नाम शेयर किए जाएं, उनके पर्टिकुलर शेयर किए जाएं और साथ ही में ईयर वाइज TDS जो लास्ट 3 ईयर्स में प्रोवाइड किया गया है उसकी भी डिटेल्स पता की जाएं। TDS को लेकर भी फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने यह सवाल खड़ा किया कि TDS जो है वो स्कूल जब पेमेंट कर रहा था तब क्यों कटा है, जब अमाउंट जो है वो दे दी गई थी, जिन लोगों को अमाउंट दी जाने वाली थी उन्हें TDS कटवाना चाहिए था, ये भी स्कूल के खाते में आखिर चढ़ा तो चढ़ा कैसे। उसके अलावा हॉस्टल एंड फूड एक्सपेंसेस को लेकर सवाल खड़े किए गए और एक और 2,46,000 रुपीज किसी अरु इको रिजॉर्ट के नाम पर ओवरहेड में जो है वो डाले गए, तो उसको लेकर भी सवाल पूछा गया कि पर्टिकुलर्स दिए जाएं कि ये 2,46,000 रुपए किसके लिए खर्चे गए हैं, किस मैनर में खर्चे गए हैं और क्यों खर्चे गए हैं। उसके साथ साथ में ये भी कहा, इस सारी डिटेल्स जो हैं वो इस ऑर्डर में मौजूद है, वो आपको मैं दिखा दूं कि पर्टिकुलर्स में कितना इंटरेस्ट पे किया गया था, ये अमाउंट्स अगर आप देखने लगेंगे तो लाखों करोड़ों में ये अमाउंट जाती है, जो अमाउंट ये दर्शाती है कि कितना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया गया था और कितने करोड़ों रुपए जो है वो लोन की शक्ल में स्कूल को दिया गया था। इसका भी जब एनालिसिस होता है तो इस ऑर्डर में बताया जाता है कि जितनी रिसिप्ट्स स्कूल की हो रही थी, चाहे वो फीस के नाम पर हो, जो एनुअल फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है, अन्य जो फीस होती है उनके नाम पर जितनी फीस ले रहा था स्कूल, और उसके साथ जब आप कंपेयर करते हैं एक्सपेंसेस को, तो 2-3 साल तो ऐसे थे जिन साल में स्कूल की सेविंग्स हुई हैं,
तो फिर सवाल ये भी खड़ा किया गया कि आखिर स्कूल को रन करने के लिए क्या इन लोन्स की जरूरत भी थी या इन लोन्स की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोन की अमाउंट जितनी ली गई उससे कई ज्यादा अमाउंट जो है स्कूल को वापस करनी पड़ रही है उन क्रेडिटर्स को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% बताया जा रहा है। साथ ही में मिसेस सुनंदा धर का नाम इस ऑर्डर में लिखा गया है, जो कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक टीचर डीपीएस श्रीनगर में है, जिनको लेकर ये कहा गया कि उन्हें स्कूल फंड से 1,27,000 रुपये सैलरी पर मंथ दी जा रही थी। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि इट कैन ओनली बी विजुअलाइज कि 2003 से लैंडलॉर्ड्स को कितना रेंट पे किया जा चुका है, क्योंकि पिछले 4 सालों में 5,33,70,400 रुपए का केवल रेंट पे हुआ है उन लैंडलॉर्ड्स को, जिन लैंडलॉर्ड्स के पर्टिकुलर्स आए तो पता चला कि ये लैंडलॉर्ड्स वही हैं जो ट्रस्टी भी हैं उस ट्रस्ट के, जिनके ट्रस्ट के जरिए ये स्कूल चल रहा था, और ये वही ट्रस्टी हैं जिन्होंने लोन की अमाउंट भी जो है डीपीएस स्कूल को दी। उसके साथ साथ इस ऑर्डर में आखिर में ये कहा जाता है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इंक्वायर करेगी, पता करेगी डीपीएस श्रीनगर के फाइनेंशियल अफेयर्स को प्रोब करेगी, और पर्टिकुलरली जो ऑब्जर्वेशंस इस ऑर्डर में कर दी गई हैं उन स्पेसिफिक्स के ऊपर ज़्यादा प्रोब किया जाएगा। जो सेड अथॉरिटी है उसको 2 महीने का समय दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप इंक्वायरी कंप्लीट करें और अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करें, और साथ ही में जो स्कूल रिकॉर्ड जो पोजिशन दिखा रहा है पता करें कि एक्चुअल पोजिशन वही है या पोजिशन कुछ और है। स्कूल मैनेजमेंट को ये कहा गया है कि आप एडमिशन फ़ी, रिफंडेबल डिपॉजिट फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स या पेरेंट्स से ना चार्ज कर सकते हैं ना कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन 20F1 जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के तहत परमिटेड नहीं है। मैटर को दोबारा से 2 महीने के बाद कंसिडर किया जाएगा, और इस ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर हैं इस फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं और जो मेंबर्स हैं उन सभी के। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि प्राइवेट स्कूल्स को लेकर इल्ज़ाम अक्सर लगते रहे हैं, पेरेंट्स इल्ज़ाम लगाते थे, अलग अलग पेरेंट्स एसोसिएशन जो हैं वो इल्ज़ाम लगाती थी कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो पैसा कमाने का एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन अब नहीं रहे। इसी के चलते इस फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी को भी पेरेंट्स अप्रोच करते रहे हैं। फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने पिछले दिनों एक और ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर में कहा था कि जो फीस बता दी गई है कि आप एडमिशन फीस चार्ज नहीं कर सकते, आप केवल ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन और अन्य कोई जो है रिफंडेबल फ़ी या डिपॉजिट आप चार्ज नहीं कर सकते, ये ऑर्डर पिछले दिनों आया। लेकिन अब डीपीएस श्रीनगर जो एक लीडिंग प्राइवेट स्कूल है कश्मीर का, उसके फाइनेंशियल अफेयर्स में प्रोब करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाने के आदेश इस फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने दे दिए हैं, और फिलहाल प्रीमा फेसी जिस तरीके के खुलासे किए गए हैं इस ऑर्डर में, करोड़ों रुपए जो हैं वो लोन की शक्ल में दिए गए, करोड़ों रुपए रेंट की शक्ल में पे ऑफ किए गए, जो गाड़ियां थी, जो रिजॉर्ट थे, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सच में इस स्कूल को इस्तेमाल किया जा रहा था अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, और क्या ये स्कूल केवल एक फ्रंट था अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए। यही सवाल जो है इस फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने भी खड़े किए हैं। उम्मीद ये करते हैं कि 2 महीने के बाद जब ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी तो सब साफ हो जाएगा कि आखिर डीपीएस श्रीनगर का इस्तेमाल क्या पैसे कमाने के लिए किया जा रहा था, या फिर ये केवल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पर फंक्शन कर रहा था।